एवरीवन, तो आज मैं आपको इंडिया का फर्स्ट इस्कॉन टेंपल दिखाने वाली हूँ और उनके दर्शन करवाने वाली हूँ। तो ये है इंडिया का फर्स्ट इस्कॉन टेंपल जो आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद्य जी ने बनाया था 1971 में इन कोलकाता। तो ये है वो इस्कॉन टेंपल और मैं आज आपको यहाँ का कृष्ण जी का राधा रानी का दर्शन करवाऊँगी। तो यहाँ पर आप शूज़ रखने के लिए बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप यहाँ बाहर भी रख सकते हो और अगर आप कैरी बैग में रखना चाहते हो तो यहाँ से कैरी बैग लेकर भी रख सकते हो, नंबर दे दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। ओके, और आपको मैं अभी जैसे आप इंटर करोगे ना तो आपको प्रभुपाद्य जी का बहुत ही अच्छा स्टैचू दिखेगा यहाँ पर आपके राइट साइड में। ओके, तो यहाँ पर ना आपको प्रभुपाद्य जी का स्टैचू दिखेगा जो जलादत्ता कार्गो शिप से कोलकाता टू अमेरिका जा रहे थे अपने गीता का प्रचार करने के लिए। तो ये वही बना हुआ है यहाँ पर, कितने अच्छे से देखिए प्रभुपाद्य जी का कितना अच्छा स्टैचू बना हुआ है ना यहाँ पर। तो प्रभुपाद्य जी कोलकाता से अमेरिका जा रहे थे गीता के प्रचार करने के लिए और मैं आपको बताई थी यहाँ पर देखिए आप लिखा भी है फ्रॉम कोलकाता टू अमेरिका टू ब्रिंग लॉर्ड कृष्णा। ओके, तो यहाँ पर ना आपको कुछ यहाँ पे दिखा देखिए मैं आपको बता रही थी ना आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद्य जी ने इस्टेब्लिश किया था ये इस्कॉन टेंपल, फर्स्ट इस्कॉन टेंपल इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1971 एल्बर्ट ड्रॉल रोड कोलकाता। ओके, तो यहाँ पर वहाँ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है और मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुकी हूँ ना तो मुझे पता है और मुझे यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला ये स्टोर है, यहाँ पर आपको मिठाई मिल जाएगा। तो मैं अभी वहीं जा रही हूँ और वहाँ से मैं प्रसाद लूँगी, फिर वो मैं प्रसाद वहाँ पर चढ़ाऊँगी। तो मैं प्रसाद लेने के लिए जाती हूँ और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ का। तो आप देखो यहाँ पर कितने सारे स्वीट्स हैं और ये सब आप प्रसाद लेकर वहाँ पर भगवान जी को चढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ। तो ये 5 पीस। तो मैं प्रसाद ले लेती हूँ, अब मैं जा रही हूँ मंदिर वहां पर ये प्रसाद चढ़ाने के लिए। ये प्रसाद मैं ले ली हूँ। अच्छा, वहाँ पर आप बस प्रसाद चढ़ा सकते हो, वहाँ पर कुछ भी अगरबत्ती ये सब नहीं दिखाना होगा और वहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं आपको ये एंट्री गेट दिखा रही हूँ यहाँ का और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो शूट कर रही हूँ, ऐसे तो मैं आती हूँ यहाँ पर बैठती हूँ कीर्तन करती हूँ बट कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाई, बट इस बार मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ आने से ना एक अलग ही वाइब्स मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी फील होता है ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप भी आना यहाँ पर कृष्ण जी के दर्शन करना। ओके, मैं आपको अभी कृष्ण जी के दर्शन करवाऊँगी। तो ये जो प्रसाद है ना ये वहाँ रख देते हैं तो प्रभु जी वहाँ का लेकर प्रसाद को चढ़ा देते हैं।
तो ये प्रसाद वहाँ पे मैं रखने जा रही हूँ, और वहाँ पर देने के बाद प्रभु जी वहाँ पर 2 मिनट के लिए भगवान जी के पास रखते हैं, और उसके बाद फिर वो वहाँ रिटर्न कर देते हैं, ये भोग लगाकर आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद्य जी है, और आप जब एंट्री करोगे ना तो पहले आप प्रभुपाद्य जी को प्रणाम करना, उसके बाद ही आप कृष्ण जी, राधा रानी एंड बलराम जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी भी है, उनको प्रणाम करना। ओके, मंदिर के पास में आपको जो स्टोर्स दिखाई थी ना गेट, तो ये वहाँ का है।
अभी आपको यहाँ पर ना बहुत सारे भगवान जी की मूर्ति, उनके फ़ोटोज़ और उनका ड्रेसेस, अगरबत्ती एंड बहुत ही कुछ है। किड्स के लिए बहुत सारा पेंसिल बॉक्सेस है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पर आपको ना वो सब मिल जाएंगे। जैसे आपको घी चाहिए या ऑयल चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आपको ये स्टोर में ना वो सब मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर की रिंग्स भी है, की रिंग्स अच्छा मिलता है। और यहाँ पर ये 25 रुपीज़ का ना ये माला का ये है, जिससे आप काउंट कर सकते हो आपने कितने माला किए हैं, कितने माला जाप आपने किए हैं। तो ये वो आप 25 रुपीज़ में ले सकते हो। जिसके पास ऑलरेडी चैंटिंग के लिए माला है तो वो ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ किड्स के लिए बहुत सारे है खिलौने हैं उसके लिए। और यहाँ पर ना आपको चैंटिंग करने के लिए बैग्स भी मिल जाएगा और कुछ ड्रेसेस भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ माला भी है, माला आपको 115 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस है और ये 200 तक है, मतलब 200 के अंदर आपको मिल जाएगा माला। यहाँ पर बड़े माला भी है और छोटे माला भी है। ओके, तो ये वो स्टोर आपको यहीं पर मिल जाएगा नीचे में। तो ये है मिंटो पार्क के पास ही है ये इस्कॉन टेम्पल। अगर आप आओगे तो आप मिंटो पार्क ही उतरना, बस से अगर आप आते हो आपको बस वहाँ कुछ ही टाइम लगेगा चलने में। तो आप ये इस्कॉन टेम्पल में ज़रूर आना और यहाँ का दर्शन करना। ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपको यहाँ पर आकर, मैं सच्ची बोल रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पर आकर राधा रानी, कृष्ण जी, जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी, सबके दर्शन करना और स्पेशली प्रभु पाद्य जी का भी। ओके, हरे कृष्णा।